नमस्कार दोस्तों, कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया के पिछले एपिसोड में मैंने आपको द्वारका के रानी रुक्मणी मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर और गोपी तालाब की सैर करवाई थी और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताया था। आज के इस एपिसोड में इसी यात्रा को जारी रखते हुए मैं आपको भेंट द्वारका, बड़केश्वर टेम्पल, सनसेट पॉइंट, सुदामा सेतु और द्वारकाधीश टेम्पल ले चलूंगा। गुजरात सीरीज के सारे एपिसोड आप स्क्रीन के राइट कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन द्वारका का पार्ट टू, टूरिस्ट बस, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। मैं बैठकर हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन भेंट द्वारका की तरफ। इस बस ने हमें ओखा द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ड्रॉप किया और हमें 1.5 घंटे में वापस बस में पहुंचने के लिए बोल दिया गया। पार्किंग से शेयर्ड ऑटो लेकर हम पहुंच रहे हैं ओखा फेरी ब्रिज। वहां से फेरी लेकर हम पहुंचेंगे भेंट द्वारका। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त हम ओखा में हैं। ओखा इंडिया का लास्ट विलेज काउंट होता है। इसके बाद समंदर पार करके आपको दिखेगा पाकिस्तान का कराची शहर। सो ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है ओखा, और ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ पर पोर्ट है ओखा पोर्ट। हम फेरी लेकर जा रहे हैं भेंट द्वारिका। एक बोट आई तो डोर ओपन कर दिया गया है। इस वाले खड़े हैं लेकिन जानते नहीं कि किस काम के लिए हैं। ये है वो इस पर हम पहुंच रहे हैं जाने के लिए। बोट से उतरने के बाद मैं लैंड पर आ चुका हूँ और यहाँ देखिए किस तरह का क्राउड है, कितनी शॉप्स हैं, कौन कौन से क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल है जो टूरिस्ट के लिए मिलेगी। बहुत भीड़ है आज यहाँ पर, लोग चलते हुए यहाँ आ रहे हैं। एक है जो यही वो दरबार है जहाँ भेंट हुई थी सुदामा जी की कृष्ण जी से, जब वो तीन मुखी चावल लेकर के आए थे कृष्ण जी को मिलने के लिए। उसी भेंट यानी मीटिंग के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है भेंट द्वारिका। भेंट मतलब मिलना, मीटिंग, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इस वक्त हम अंदर जाने की तैयारी में हैं श्री द्वारका जी का मुख्य द्वार। कहते हैं 2008 में जब भूकंप आया था तो ये मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसके बाद राजस्थान से लाल मार्बल लाकर इस मंदिर की पुनर्स्थापना यानी फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। तब से इसका रंग लाल है। आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी तो बहुत बार सुनी है। आखिर वो घटना घटी थी वो इसी जगह पर था जहाँ पर हम अभी हैं। जिन लोगों को कृष्ण सुदामा की कहानी मालूम नहीं है तो एक बार जाइए, पढ़िए और देखिए कि किस तरह से उधार किया कृष्ण भगवान ने अपने दोस्त का, गरीब दोस्त का, उसकी मदद करके। ये एक मैसेज देती है कहानी कि जिन लोगों के पास पैसा है अगर वो गरीबों में इसको बांटे और उनके साथ शेयर करें तो एक नहीं कई परिवार सुखी हो सकते हैं। और शायद एक टाइम के बाद जाकर अमीर लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं और अपना
धन अपना पैसा चैरिटी के नाम पर बांटना शुरू करते हैं। किसी का भी नाम लीजिएगा, एक टाइम के बाद सब ने चैरिटी की है, चाहे वो बिल गेट हो या फिर कोई और। इस बार का सुनने और देखने में ऐसा लगता है कोई आइलैंड होगा, छोटा सा मंदिर होगा, पर यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 है। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम। हिंदू लोगों का मेन बिजनेस यही है जो नॉर्मल ट्रेडिंग होता है या फिर कुछ और, लेकिन मुस्लिम लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व है फिशिंग के बिजनेस में। वो फिशिंग भीड़ भड़ा कैसे उस पागलपन से दूर निकल के यहाँ थोड़ी शांति में आ गया हूँ। इसे कहते हैं गांव, ये द्वारका विलेज है। काफ़ी बड़ा आइलैंड है, बहुत पॉपुलेशन है हर तरफ, यहाँ थोड़ा शांति है, यहाँ अच्छा लग रहा है। क्या मैंने आपको बताया कि ये सुदामा पोरबंदर के रहने वाले थे, वो यहाँ तक पैदल चल कर उनको मिलने के लिए आए थे। कल अगर आपको याद है जब ट्रैवल करते हुए जब हम लोग जूनागढ़ से यहाँ पहुँचे द्वारका, हमने पोरबंदर क्रॉस किया था। डिस्टेंस 85 किलोमीटर है। पहले लोग ऐसे ही पैदल चलते थे, उस वक्त की यूनिट किलोमीटर या माइल्स नहीं होके कोस हुआ करती थी। एक कोस 3 मील का होता है, 100 कोस 300 मील, और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो करीब करीब 450। लीजिए वापसी का टाइम है, इस वक्त घड़ी में बजे है 1:30। बस हमने छोड़ दी, अब हम लोकल ST स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेके पहुँचेंगे। देखिए जो समंदर था लोगों का ख़त्म हो गया, वो क्राउड उतना नहीं है, अब यहाँ घूमने में भी मज़ा आ रहा है, तो ये इस तरह का माहौल ठीक रहता है। अब ये लग रहा है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ घूम सकते हैं। देखिए किस तरह के बोट के यहाँ रखेंगे आपके, ये सब शिपिंग बोट्स हैं। ऊपर एक सोलर पैनल लगाया गया और बोट पर जाने के लिए देखिए किस तरह का बैलेंस बना करके ये वैसा क्या है। जो इंडिया 2:30 बजे का टाइम हुआ, सुबह 8 बजे हम निकले थे यहाँ से, निकले द्वारका के लिए। लीजिए सनसेट पॉइंट जाने के लिए निकले हैं और बस ने हमें यहाँ पर उतारा। वो रास्ता है द्वारका सनसेट पॉइंट द्वारका की तरफ, यही हमारी मंजिल। ये देखने के बाद, सनसेट होने के बाद हम जाएंगे द्वारका की सबसे बड़ी पहचान, द्वारका का नाम, द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ। वहाँ देखेंगे आरती और उसी के पड़ोस में है सुदामा सेतु, वो देखने के लिए निकले। ये वो रास्ता जो था सनसेट पॉइंट की तरफ, ये थोड़ा चलने के बाद मेन रोड सनसेट पॉइंट जहाँ सीधा था वहाँ से हमने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेकर हम पहुँचे इस जगह पर। ये बिरला मंदिर या फिर गीता मंदिर कहलाता है। लीजिए ये है गीता का मंदिर, सामने मूर्ति लगी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने महाअवतार में अर्जुन को गीता जी का उपदेश दे रहे हैं। गीता जी के उपदेश को यहाँ इस शिलाखंड पर लिख करके लगाया गया है दीवार के दोनों तरफ। शांत जगह है, आप आराम से यहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए। बाकी मंदिरों में जिस तरह की फॉर्मेलिटी रश और वो सब होता है, गीता मंदिर में अच्छा है कि वैसा नहीं है, तो ये बैठने लायक जगह है। गीता जी को दोबारा जिया जा सकता है एक बार यहाँ पढ़ करके। सारे अध्याय लिखे गए हैं, कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, किसने क्या बोला, संजय ने क्या बताया, सर्जन उवाच, ये सारी बातें आपको इस जगह लिखी हुई दिखेंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए मैं तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करता हूँ, पढ़ता हूँ, गीता जी को पढ़ने का मौका फिर से कहाँ मिलेगा। ये है बटकेश्वर महाराज का आउटसाइड, मंदिर के बाहर का नज़ारा। सड़क पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस तरफ सूरज है जो समंदर के ऊपर है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। सनसेट हो चुका है, काफ़ी देर थे हम लोग यहाँ पर और हमने वेट किया सनसेट होने का, एंड इट्स वर्थ टू वेट। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये बटकेश्वर महादेव टेम्पल की सीढ़ियाँ हैं, और मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है वो है बटकेश्वर टेम्पल। ये समंदर के एकदम किनारे पर है, वहाँ से ब्रिज से होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। पहले एक डे का ब्रीफ मैं कर दूँ आपको। हम सुबह 8 बजे जब उठे तो हमने एक बस हायर की, 100 रुपये में ये लोग आपको 4 मेजर लोकेशन हैं जो द्वारका में उनको घुमाते हैं। सबसे पहले लेके गए रेणुका जी टेम्पल, दूसरे नंबर पे हमें लेकर के गए नागेश्वर महादेव टेम्पल, और तीसरे नंबर पे हम गए थे गोपी तालाब, और उसके बाद ओखा विलेज जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ से हमने फेरी ली और फेरी लेकर के हम गए देखने के लिए भीड़ द्वारका। एक्सपीरियंस अच्छा है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम बिताऊँगा द्वारकाधीश टेम्पल में, और उसके बाद चलूँगा सुदामा सेतु। अगले 1.5 घंटे में ये सब लोकेशन कंप्लीट करनी है, 8:30 बजे बस स्टैंड पहुँचना है और पहुँच जाना है वापस गांधीधाम। तो ये नॉन एसी स्लीपर यहाँ चलती है जो मुझे द्वारका से लेकर गांधीधाम तक पहुँचाएगी। 7 या 8 घंटे की जर्नी होगी। सुबह 5 बजे मैं गांधीधाम पहुँच जाऊँगा और जा करके देखूँगा गांधी जी की समाधि, और वहाँ से ट्रेन लेकर वापस चंडीगढ़। आज का दिन अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आप जब द्वारका जी आएँ तो ये जो बस वाला सिस्टम है 100 रुपये में बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 रुपये में आपको ये 40 किलोमीटर का एरिया घुमा सकते हैं। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके खुद जाएंगे तो 200-300 रुपये खर्च कर रहे होंगे। गाइड की सुविधा है, गाइड आपको मिलता है यहाँ पर। द्वारका देश में इंसान और पशु किस तरह से मिल कर के रहते हैं, एक ही सड़क पर, एक ही जगह पर खाते हैं, एक ही जगह पर घूमते भी हैं,
ये खास चीज़ आपको सिर्फ द्वारका में देखने को मिलेगी, ऐसा सिर्फ इस घाट पर ही नहीं है, सनसेट पॉइंट पर ही नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा शहर के अंदर भी अलग अलग जगह पर। कल जब मैं कुछ गांव को बिस्किट खिला रहा था तो उन्होंने कहा कि आज इनको मत खिलाइए, इनका व्रत है। दो मैंने खिलाया क्योंकि मुझे कैसे लगा कि गायें कैसे व्रत रख सकती है, पर जब दो तीन लोगों ने एक साथ बोला तो मुझे लगा कि शायद ये बात सच थी, शनिवार है तो व्रत रख सकती हैं गायें। अगर व्रत रखा होता तो खाती क्यों, और अगर व्रत है तो शाम को ख़त्म हो जाना चाहिए था, मैं तो 10 बजे खाना खिला रहा था। तो कुछ लोग अजीब बात करते हैं और समझ में लॉजिक तो नहीं आता, पर मैंने अपनी ड्यूटी नहीं भाई, बिस्किट वगैरह खिलाया, अच्छा है कि बुरा कौन जानता, पर ठीक है, कर दिया तो कर दिया, हुआ तो अच्छा ही हुआ होगा, ऊपर वाले की मर्जी रहती है इसमें। ऐसा सिर्फ इस गाय के साथ, सब गाय के साथ ऐसा ही है, दे आर वेरी फ्रेंडली। ये जो छली बेच रहे हैं, ये जो शाम को छिल के बसते हैं, ये उनको खिला दिए जाते हैं, उसी के इंतजार में लोग खड़ी रहते हैं, मुझे देखिए जैसे कुछ मांग नहीं है। 50 रुपये में सनसेट पॉइंट से रिक्शा ली हम लोगों ने, और हम पहुंच रहे हैं सुदामा सेतु, वो है हमारी अगली मंजिल। देख लीजिए पहुंच चुके हैं सुदामा सेतु, ये एक गोमती नदी है, यहाँ पर गोमती नदी के ऊपर ही सुदामा सेतु बनाया गया है, यहाँ बह रही है नीचे गोमती रिवर। ये है एक ब्रिज जिसको ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें सस्पेंशन वायर को यूज़ किया जाता है, और इस पुल पे अगर लोड आएगा तो ये हिलेगा, जैसे लक्ष्मण झूले को आप बोलते हैं। जगह तो अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ बह रही है, और इन लाइट्स ने इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा दिया है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ कुछ खास नहीं है, एक छोटा ग्राउंड बनाया गया है, सिर्फ स्पेस है, आप वहाँ जा कर के बैठ सकते हैं थोड़ी देर। सुदामा सेतु से भी देख कर मजा आया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं अगले आगे मतलब वो है द्वारकाधीश टेम्पल। द्वारका आए और द्वारकाधीश टेम्पल नहीं गए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, वो है हमारा अगला टारगेट। जी 2 मिनट के वॉक के बाद हम पहुँच चुके हैं द्वारकाधीश टेम्पल के पास। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये द्वारकाधीश का मंदिर है। ये है रास्ता, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो समय है 8 बजे, रात को 8:30 बजे, और 7:30 बजे संध्या आरती, शयन आरती रात को 8:30 बजे है, सुबह 6:30 बजे मंगल आरती होती है, और 10:30 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। कहते हैं कि दिन में 5 बार इस छत्र को, इस ध्वज को उतारा और दोबारा से लगाया जाता है, तो 5 बार यहाँ का झंडा जो आपको दिख रहा है चेंज होता है। देखा कि आगे यहाँ के बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, अगर आप फोटोग्राफ लेना चाह रहे हैं तो ये डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, इस तरफ इसके आगे आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ये हमारा आज का आखिरी डेस्टिनेशन है, इसके बाद द्वारका की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, हम निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़ जाने के लिए। के लोगों के साथ एक चीज़ अच्छी है कि टूरिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं, और वही हमारे साथ हुआ। ये है होटल श्री जहाँ मैं रुका। बेस्ट पार्ट इस होटल के साथ ये है कि आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर हार्डली 200 मीटर पर है द्वारकाधीश टेम्पल, और उसके साथ हार्डली 50 कदम की दूरी पर आपको मिलेगा सुदामा सेतु जहाँ हम जा कर के भी आए। बस स्टैंड से सिर्फ 800 मीटर दूर है, कल हम वॉक करके यहाँ से पहुँच गए थे, और वॉक करते करते बेस्ट ऑप्शन ये था कि बहुत सारे खाने की चीज़ें अपने को मिली, तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस होटल को बुक करें, और ये ऊपर अवेलेबल है, रेट भी जेन्युइन है, सर्विस और सपोर्टिंग स्टाफ है। द्वारका का बस स्टैंड जहाँ यहाँ से निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ गांधीधाम, गांधीधाम से है हमारी ट्रेन, अच्छी जगह है, मैंने अभी पूछताछ में पता कर लिया है। 9 बजे जो बस का डिपार्चर है, इसकी टिकट मैंने बुक किया करीब 250 रुपये में, 7 घंटे का सफ़र है, वो बस आएगी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं ओवरऑल आपके साथ शेयर करूँ, ये अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग बहुत कोऑपरेटिव लगे, लोगों ने सपोर्ट बहुत किया, बहुत महंगा नहीं है, टूरिस्ट देख कर के अननेसेसरी चार्ज नहीं करते हैं, जो है जैसा है वैसा ही चार्ज किया जाता है, ये अच्छी चीज़ है, ये हर स्टेट में हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो जाए तो अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बोलचाल में अच्छे हैं, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर मेरे को 10 में से रेटिंग करना पड़े तो शायद मैं 10 में से 8 या 9 की रेटिंग करूँगा, 1 भी इसलिए क्योंकि ठीक है, नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इम्प्रूवमेंट के चांसेज और अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, इसीलिए 10 में से 9 गुजरात के लिए। इस वक्त जब कड़ाके की ठंड है हमारे नॉर्थ में, दिल्ली चंडीगढ़ में, मैं कहूँगा कि आप इस तरफ आइए, मौसम एवरेज टेम्परेचर 26-22 रहता है, रात में भी 11-15 के रेंज में रहता है, प्लेजेंट है, आप इस खुशनुमा मौसम का मज़ा उठाइए, ठंड से बचिए और यहाँ घूमने आ जाइए, ये राजस्थान से बेटर जगह है, आपको पक्का मज़ा आएगा।